हेलो गाइस, यू आर वाचिंग एक्सपेरिमेंट ट्रैक्स। सो आज के इस वीडियो में मैं प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फेस मास्क वेस्ट और इससे होने वाला पॉल्यूशन। गाइस, एक तरफ ये फेस मास्क हमारी जान बचा रहे हैं, पर दूसरी तरफ इनसे काफी ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, हर मंथ हम 200 बिलियन मास्क इकोसिस्टम में डंप कर रहे हैं, एंड वी नो कि ये वेस्ट अब हर जगह पहुंच रहा है। गाइस, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, 2020 के अंत तक हमारे ओशंस में जेलीफिश से ज्यादा फेस मास्क हो जाएंगे, जिससे मरीन इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है। और गाइस, विंटर्स में एयर पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। अब या तो हम इस पोल्यूटेड हवा में सांस लें या फिर एक एयर प्यूरिफायर खरीदें। पर इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में एक आम आदमी साफ हवा के लिए एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकता है। सो इन दोनों प्रॉब्लम का मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। सो गाइस, मैंने यूज्ड फेस मास्क से ये एयर प्यूरिफायर बनाया है, और आप लोग भी ये एयर प्यूरिफायर 800 से 1000 रुपीज में बना सकते हैं। और गाइस, सबसे अच्छी इस एयर प्यूरिफायर की बात यह है कि ये फिलिप्स जैसे ब्रांडेड एयर प्यूरिफायर को भी कम्पीट कर सकता है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका कंपेरिजन करके दिखाऊंगा। मोर ओवर, मेरा ये आइडिया हमारे एनवायरमेंट को एयर पोल्यूशन के साथ साथ मास्क पोल्यूशन से भी बचा सकता है, क्योंकि ये मास्क प्लास्टिक फाइबर से बने होते हैं, जिससे फर्दर माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन होता है। और ऐसे मास्क को नेचुरली डिकम्पोज होने में 400 साल से भी ज्यादा समय लग जाता है। गाइज, इट इज कम्प्लीटली सैनिटाइज्ड एंड सेफ। सो जस्ट थिंक, अगर हमारी गवर्नमेंट सारे मास्क वेस्ट से एयर प्यूरिफायर बना पाए, तो ना तो मास्क पोल्यूशन होगा और एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो शेयर करना है ताकि ये आइडिया आम लोगों तक पहुंच सके और हर कोई साफ हवा में सांस ले सके। गाइज, हमारा ये एयर प्यूरिफायर किसी भी नॉर्मल एयर प्यूरिफायर से ज्यादा एफिशिएंट है और बहुत ही कम नॉइज प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसका सर्कुलेशन स्पीड भी ज्यादा है, जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा एयर को प्यूरिफाई कर सकता है। और ये एयर प्यूरिफायर किसी भी एयर प्यूरिफायर से 15 से 20 गुना तक सस्ता है। सो गाइज, मैंने इस वीडियो के लिए काफी रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एयर प्यूरिफायर बनाते हैं। सो गाइज, एयर प्यूरिफायर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फैन मॉड्यूल चाहिए। सो दिस इज 25 वॉट फैन मॉड्यूल। एक आपको यूवीसी जर्मिसाइडल लैम्प चाहिए। सो दिस इज ऑप्शनल, बट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि मैं पुराने मास्क यूज़ कर रहा हूँ। सो इन केस अगर मास्क में कुछ बैक्टीरिया या जर्म्स हैं, सो ये उन बैक्टीरियाज या जर्म्स को मार देगा। सो गाइज, आपको दो स्विचेस चाहिए, एक इस फैन मॉड्यूल को कंट्रोल करने के लिए और एक इस यूवीसी जर्मिसाइडल लैम्प को कंट्रोल करने के लिए। कुछ कनेक्टिंग वायर चाहिए एंड आपको पुराने ओल्ड यूज मास्क चाहिए। आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो पुराने मास्क है उन मास्क को, इस चीज़ को आपको कट कर लेना है। और अगर आपके मास्क गंदे हैं तो आप उस मास्क को सैनिटाइज कर सकते हैं या फिर वॉश कर सकते हैं। सो गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने ये जर्मिसाइडल लैम्प बनाया था जो कोरोना वायरस को किल कर सकता है विद सिर्फ 15 सेकेंड्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो वीडियो जाके देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो जो भी आपके पुराने मास्क हैं, अगर आपने इनको वॉश कर लिया है सो वेल एंड गुड, अगर वॉश नहीं करा है सो आप यूवीसी सैनिटाइजर चैम्बर में डाल सकते हैं। गाइज, विद इन 5 मिनट्स ये सब कुछ सैनिटाइज हो जाएगा। अब हमें इनको एक सेल करके इनका एक लंबा फैब्रिक बनाना है, जिसे हम एज अ फिल्टर फैब्रिक यूज करेंगे। सो गाइस, हमने मास्क को सिल लिया है और ये सिलने के बाद कुछ ऐसा है। सो गाइस, सारे कनेक्शंस हमने कर लिए हैं और लास्ट में आपको सर्किट डायग्राम में दिखा दूंगा। यूवीसी लाइट लगा दिया है, फैन मॉड्यूल लगा दिया है, और जो ये सारे पुराने मास्क थे और तो इन पुराने मास्क को भी हमने सिल लिया है। एक्चुअली मैंने नहीं सिला है, मम्मी ने सिला है। सो मम्मी के लिए आप कमेंट्स में थैंक यू जरूर लिखना। ये काफ़ी सैगी बैगीज है सो इसलिए मुझे ये एक एल्युमिनियम ग्रिल यूज करना पड़ा है। सो गाइज, नॉर्मल फिल्टर में ऐसा कुछ मास्क फिल्टर नहीं लगता है, हैपा फिल्टर लगता है, बट वो काफ़ी महंगा आता है। सो गाइज, अब करना क्या है, हमारा जो फिल्टर है वो इसके ऊपर लगेगा। उससे पहले हम फैन मॉड्यूल को भी कनेक्ट कर लेते हैं। सो गाइज, सारा कनेक्शन हो गया है, एक बार चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अच्छे से ये वर्क कर रहा है। सो गाइस, फाइनली सब कुछ रेडी है, अब इसको असेंबल करते हैं। तो कुछ भी आपको ऐसा परफोरेटेड सा कंटेनर लेना है,
इसमें एयर आराम से आर पार जा सके। फाइनली हमारा एयर प्योरीफायर रेडी है, अब हमें चेक करना है कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दिस इज पावर स्विच, दिस इज वी लाइट। सो गाइस, मैंने सिंगल लेयर मास्क लगाया था, उससे ये इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है। सो गाइस, डबल लेयर फिल्टर लगा दिया है, अब चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सो गाइस, सब कुछ सेट है, अब चेक करते हैं कि कैसे वर्क करता है। बाहर का पीएम 2.5 अराउंड 200 है, जो कि उतना अच्छा नहीं है, इट शुड बी अराउंड 60। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो हमने एयर प्योरीफायर बनाया है, इसका पीएम 2.5 लेवल 65 है और अराउंड 66 है, जो कि बहुत ही एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। यही चीज़ अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, तब आप देखिए कि जो रूम के अंदर पीएम 2.5 का लेवल है वो कितना ज़्यादा है। तो गाइस, रूम के अंदर पीएम 2.5 का लेवल अराउंड 200 है, तो इसका मतलब है कि हमारी मशीन 70% एफिशिएंट है। सो चलिए अब कंपेयर करते हैं ये जो मशीन हमने बनाया है और एक ऐसे ही ब्रांडेड मशीन है। सो अब कंपेयर करेंगे इस ब्रांडेड मशीन के साथ। गाइस, ये जो मशीन है इससे भी पीएम 2.5 का लेवल 66% तक हो रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, ये मशीन हमने बनाया है मुश्किल से 500 से 600 रुपए में। ये मशीन जो हमारा है ये 8 से 9 हज़ार रुपये की मशीन है और दोनों सिमिलरली वर्क कर रहे हैं। आप देखिए पीएम 2.5 का लेवल इसमें 72 है। बस गाइस, इसमें क्या है कि आपको दो चार मोड मिल जाएगा, तो योगी लाइट भी मिल रही है आपको, वीटा आयन भी है, तो इसमें ऑटो मोड है, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के पैसे आप चले रहे हैं, बल्कि दोनों चीज़ें एक जैसा वर्क कर रही हैं। सो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं घर पे, इक्वली दोनों इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। ये 700 रुपये का है और ये हमारा 8000 रुपये का मशीन है। सो गाइज, ये है थर्मो एनामोमीटर, ये बताएगा कि कौन सा एयर प्योरीफायर कितना हवा दे रहा है। इसका एयर फ्लो रेट है 3.1 और वहीं पे इसका एयर फ्लो रेट है अराउंड 9.5, which is highly efficient. तो गाइस, हमने जो मशीन बनाया है ये ज़्यादा हवा को प्योरीफाई कर रहा है। ये अब हम इसका साउंड टेस्टिंग करते हैं, ये बहुत ही साइलेंट है। तो गाइस, अराउंड 45 डेसिबल का ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मेरे बोलने की वजह से थोड़ी सी रीडिंग फ्लक्चुएट हो रही है। अब वहीं पे अगर हम इसका डेसिबल चेक करते हैं, सो अभी ये लेवल 1 पर है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो गाइस, इसका जो डेसिबल है वो अराउंड 75 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये बिजी ट्रैफिक जितना नॉइज़ क्रिएट कर रहा है। सो ये ज़्यादा हवा को प्योरीफाई कर रहा है, प्लस इसका नॉइज़ भी बहुत कम है। सो गाइस, बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे और इतना फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स लगा देंगे, इसी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे आपसे पैसे ले रहे हैं, जो कि जनरली आप घर पे भी बना सकते हो आराम से विद इन 1000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़। जो एक्चुअल एयर प्योरीफायर होता है वो भी मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए।